नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पकवान गली में। मैं हूं आपका होस्ट ददन भाई। आज लेकर आया हूं रसगुल्ले बनाने की रेसिपी, वो सीक्रेट जिससे रसगुल्ले स्पॉन्जी बनेंगे और मुलायम भी बनेंगे और टेस्टी भी लगेंगे। तो आइए देखते हैं उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी रेसिपी क्या है। तो छेना बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम दूध डालकर छेना बनाएंगे, लेकिन कढ़ाई मेरी हल्की सी गर्म है तो दूध डालते ही जले नहीं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा। इससे क्या होगा, कढ़ाई की तली में हमारा जो दूध है वो चिपकेगा नहीं, जलेगा नहीं। अब दूध डालेंगे। तो मैंने कढ़ाई में दूध डाल दिया है। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम उबालेंगे बढ़िया तरीके से। एक उबाल आने के इंतज़ार करेंगे। तो अब इंतज़ार करते हैं इसमें उबाल आने का। तो आप देख रहे हैं दूध में उबाल आ चुका है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, आँच धीमी कर लेंगे और इसे अब नींबू का रस डालकर छेना बनाएंगे। तो नींबू का रस लिया हुआ है, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस लिया हुआ है और इसे थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और छेना बनाएंगे। कई लोग क्या करते हैं कि जब दूध एकदम हाई हीट पर उबल रहा होता है उसी वक्त वो दूध में नींबू का रस डाल देते हैं, जिससे जो छेना बनता है वो थोड़ा सा टाइट बनता है। ये देखिए, मैंने एकदम आँच धीमी रखी हुई है और नींबू का रस डाल रहा हूँ और धीरे धीरे ये दूध फट रहा है और छेना बन रहा है। और देख रहे हैं आप कि छेना फट चुका है बढ़िया तरीके से, ये देखिए। तो अब ये छेना फट चुका है। अब इस छेने को हम क्या करेंगे, छान लेंगे एक बर्तन में। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या लिया हुआ है, एक ड्रेनर लिया हुआ है, एक कपड़ा है मेरे पास, सूती कपड़ा है। और इस सूती कपड़े को मैं डबल इस पर बिछा दिया मैंने और हम इसमें अपना छेना डाल देंगे। और कपड़े को पोटली टाइप बांधते हुए इसे गरम है इसलिए थोड़ा सा आप एहतियात बरतें कि जले नहीं। अब छेने को हम ठंडे पानी से धोएंगे ताकि इस पे जो नींबू की जो खटास है वो कम की जा सके, ख़त्म की जा सके। देखिए करना क्या है, इसी छेने में हम ठंडा पानी डाल रहे हैं। तो ये पानी डाला और हल्का सा इसे पलटते हुए छेने को धो लेंगे। तो ये एक बार मैंने छेना धो लिया ठंडे पानी से। अब एक बार और धोएंगे। तो इसके लिए मैंने एक दूसरा बर्तन ले रखा है, पानी फिर से इसमें डाल रहे हैं और पानी डाल दिया है। तो ये देखिए छेना बढ़िया तरीके से हमारा सॉफ्ट भी है। अब बारी है क्या, इसकी बढ़िया तरीके से पोटली बांधकर और जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकालने की। तो कुछ इस तरह से आप करें और इसे राउंड कर दें, ऐसे थोड़ा सा घुमाते जाएंगे तो पानी अपने आप निकलता जाएगा इसका। तो कुछ इस तरह से इसे दबाते हुए इसका पानी, एक्स्ट्रा पानी जो है निकाल देंगे। और करना क्या है कि इस पोटली को हम कुछ इस तरह से बांध देंगे। ये पोटली मैंने बांध दी और इसे किसी हैंगिंग वाली जगह पे लटका देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। आधे घंटे तक हमें इसे लटका कर रखना है। तो 30 मिनट हो चुके हैं, हमारे छेने से जो पानी है वो भी निकल चुका है। तो आइए इसे खोल लेते हैं और देखते हैं छेने का मिजाज कैसा है। ये देखिए बढ़िया छेना। अब इस छेने को हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और सीक्रेट शुरू होता है यहीं से कि आखिर हलवाई वाले स्पॉन्जी एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले कैसे बनाते हैं। तो वो सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है कि पहले तो छेने को कुछ इस तरह से हम मैश करेंगे और तकरीबन 10 मिनट तक इसे मैश करेंगे। हम इस तरह से इसे
मैश करेंगे, मसलेंगे कि इसमें एक भी गुठलियाँ दिखनी नहीं चाहिए। तो छेने को 10 मिनट तक मसलना है, तब तक हमारा जो टाइम है चाशनी बनाने का वो बच जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कढ़ाई में 1 लीटर पानी डाल दे रहा हूँ और उसी में हम चीनी भी डाल देंगे। इस पे जाएगी 1 कटोरी चीनी। चीनी को हमने नमी से बचाने के लिए दालचीनी डालकर रखी हुई थी, वो उसका एक टुकड़ा आ गया है। और चीनी को बढ़िया तरीके से मिक्स कर देते हैं। जब तक चाशनी बनेगी, हमें इसे छेने को अपने 10 मिनट तक मसलना भी है। तो देखिए 10 मिनट तक मेहनत करने के बाद छेना बहुत बढ़िया मुलायम हो चुका है। और इस छेने की अब मैं 8 से 10 लोइयां तोड़ लूँगा। इस तरीके से मैंने छेने की बॉल बना ली है। और इस बॉल को हम रखते जाएंगे अपने एक अलग बर्तन में। दूसरा लोई लिया और इसे भी कुछ उसी तरीके से रोल करके फिर से एक दूसरी छेने की बॉल भी तैयार हो गई है। तो 1 लीटर फुल क्रीम दूध से जो छेना बना था उसकी 10 छेने की बॉल बनी है, यानी 10 रसगुल्ले हमारे तैयार होंगे। तो अब करना क्या है, हमारी चाशनी भी उबल रही है और अब इसमें हम अपने छेने के बॉल डालेंगे। सारे छेने के बाउल मैंने इसमें डाल दिया है। आँच धीमी रखी थी छेने के बाउल डालते समय, अब आँच बढ़ा देंगे यानी मीडियम फ्लेम पर रख लेंगे। और उसके बाद मैंने इसे ढक देना है। ढक कर पहले 10 से 12 मिनट तक हम इन्हें पकाएंगे, उबालेंगे। उसके बाद आँच धीमी करेंगे और फिर 4 मिनट तक इन्हें धीमी आँच पर उबालेंगे। उसके बाद हमारे छेने के शानदार स्पॉन्जी रसगुल्ले आपके सामने होंगे। तो मैंने रसगुल्लों को पहले 10 से 12 मिनट तक तेज आंच पर उबाला और उसके बाद आंच धीमी कर दी है। और देखिए इनका जो साइज है वो फूल कर डबल हो गया है। इसका मतलब है कि हमारे जो रसगुल्ले हैं वो बढ़िया तरीके से स्पॉन्जी बने हैं और मुलायम भी हैं। तो अभी इन्हें सर्व नहीं करना है, आंच से हटा दीजिए, बंद करके हटा दीजिए और तकरीबन 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में तब रखिए जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, चाशनी ठंडी हो जाए। उसके बाद इन रसगुल्लों का जो मज़ा होगा ना वो बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो मैंने एक बाउल में रसगुल्लों को ट्रांसफ़र कर दिया था और इन्हें फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में कम से कम ये 4 से 5 घंटे तक रहे, उसके बाद मैंने निकाला है और ये ठंडे हो चुके हैं। अब बारी है इनकी प्लेटिंग करने की। ये मैंने 2 से 4 लोगों के लिए रसगुल्ले बनाए हैं। आप चाहें अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, आपके यहाँ ज़्यादा लोग आ रहे हैं या ज़्यादा लोगों को खिलाना है, तो उस हिसाब से आप इनकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। इनमें कुछ हम केसर लगा देते हैं ताकि हमारे जो रसगुल्ले की खूबसूरती है, वो जो दिखने वाली खूबसूरती है वो बढ़िया लगे। तो इस पर एक केसर लगा दिया। और आपको बताता हूँ कि स्पॉन्जी बने कैसे हैं, वो कैसे पता होगा। तो देखिए ये रसगुल्ला लिया है, इसे हम दबा देंगे, फट नहीं रहे हैं आप देख रहे हैं, और ये वापस शेप में आएंगे। इसका मतलब है ये बढ़िया तरीके से बने हुए हैं, पके हुए हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने शानदार स्पॉन्जी रसगुल्ले बनाने की रेसिपी आपको बता दी। तो अगर आपको भी ऐसे ही शानदार स्पॉन्जी रसगुल्ले घर पर बनाना है और बाज़ार का हलवाई वाला रसगुल्ला नहीं लाना है, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर का बटन भी दबा दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। और ऐसी ही लजीज रेसिपीज पाने के लिए बने रहिए पकवान गली के साथ। तब तक लीजिए ददन भाई का बहुत प्यार भरा सलाम।